आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप झारखंड बोर्ड से किसी भी क्लास में परीक्षा देंगे, जैसे क्लास 8, 9, 10, 11, 12, तो OMR सीट को कैसे फिल करना। आज इस वीडियो में आप लोगों को एक का OMR सीट फिल करके लाइव इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जैसे कि अभी क्लास 8 का स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाला, फिर 9th का, 11th का, वैसे ही हमेशा आप लोगों का कभी ना कभी एग्ज़ाम होगा, तो कैसे OMR सीट को फिल करेंगे, उसका एक्चुअल जो तरीका है वो क्या है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर सभी चीज करने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देख सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के एक OMR सीट है, अभी मैं फिल करके आप लोग को दिखा रहा हूं। देख सकते हो सकता है कि आप लोग का एग्जाम का ढांचा जो है OMR सीट का थोड़ा इधर उधर रहे, लेकिन OMR कैसे फिल करना उसको तरीका अगर जान लेंगे तो आप लोग को कभी भी कोई भी OMR सीट को फिल करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ क्या मांगा जा रहा है। सेम टू सेम हो सकता है आप लोग को नहीं मिले OMR सीट, हो सकता है दूसरा OMR सीट मिले, लेकिन तरीका एक ही रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग ब्लू या ब्लैक पेन, दोनों पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन ही यूज करेंगे। OMR पे ज़्यादातर ब्लैक पेन ही यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या क्या पूछा जाएगा उसको ध्यान देंगे। यहाँ पर बोल रहा रोल कोड और रोल नंबर, तो आप अपना एडमिट कार्ड में देखेंगे कि आपका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, तो एडमिट कार्ड में देख के आप लोगों को मिल जाएगा। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी स्टूडेंट का रोल कोड जैसे मान के चलिए है 23011, ये मान के चलिए रोल कोड है, पहले इसको आपको लिखना है। फिर रोल नंबर मान के चलिए 0010, मतलब 10 रोल नंबर है, तो 4 डिजिट का रोल नंबर रहेगा, तो पूरा घर में फिल करना है, ऐसा नहीं 10 है तो 10 लिख दिए इधर छोड़ दिए, जैसा एडमिट कार्ड में रहेगा वैसा रखना है। यदि अगर 100 है तो 0100, मतलब जैसा एडमिट कार्ड में रहेगा चारों घर में आपको भरना है। ठीक है, तो रोल कोड हम लिख दिए। अभी रोल कोड के जगह पर नीचे यहाँ पर देखिए गोल करने के लिए बोला जा रहा है, रोल कोड के नीचे यहाँ पर गोल करने के लिए बोला जा रहा है कि 23011 है, तो यहाँ पर भी आप उसको रंगिए। तो जैसे 2 यहाँ पर लिखे तो आपको यहाँ पर 2 को रंगना है, तो देख सकते हैं हम 2 को रंग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 3 है तो आपको यहाँ पर 1, 2, 3 को इस प्रकार रंगना। बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि इसी बॉक्स में 3 को रंग देते हैं, घर देख लीजिए 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 को रंगना है। ठीक है, फिर 0 है तो 0 यहाँ पर देखेंगे, नीचे आपका 0 है तो 0 को यहाँ पर इस तरह गोल करना है। उसके बाद है 1, 1, तो यहाँ पर 1 को यहाँ पर रंग इन करना है, देख सकते हैं। उसके बाद फिर 1 है तो 1 को कर दिए, ये मेरा रोल कोड जो है सही से फिल हो गया। अभी बोल रहा रोल नंबर, रोल नंबर में क्या है 0010, तो 00 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो देख सकते हैं यहाँ 0 को रंग दिए, फिर 0 को रंग दिए। उसके बाद है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम लोग का 1, तो 1 को गोल करेंगे और अच्छा से एकदम पूरा घर को जो है रंग कर देगा, ऐसा नहीं छोटा सा यहाँ रंग करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे, पूरा गोल को पूरा करेंगे। फिर 0 है, फिर यहाँ पर 0 को रंग कर दिए और एक बार मिला लेंगे, 2 तो 2, 3 3, 0 तो इसका घर में 0, 1 1 1 1, ठीक है, 0010, तो यहाँ 0 0, फिर 1 यहाँ पर 1, फिर 0 तो 0 यहाँ पर भर गया। उसके बाद पंजीयन संख्या यहाँ पर बोला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, देख सकते हैं यहाँ पर पंजीयन संख्या, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा, देखिएगा आप लोग को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड का बीच बीच में, रोल कोड रोल नंबर के पास पंजीयन संख्या है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे इस स्टूडेंट का है 23011, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर 1, 2, 3, 4, 6, फिर यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2, ठीक है, इस प्रकार मान के चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर है। अभी आपको कैसे इसको रंग इन करना है, 2 तो इस घर में जो है 2 को खोजना है, यहाँ पर है 2, फिर यहाँ पर है 3 तो इस घर में 1, 2, 3, इस घर में 3, फिर यहाँ पर है 0 तो इस घर में हमको 0 खोजना है, यहाँ पर है 0, इसको रंगे, फिर 1 है तो यहाँ पर है 1, उसके बाद फिर 1 है, फिर यहाँ पर है 1, तो देख सकते अच्छे से हमको पूरा बड़ा करना है, ऐसे आधा अधूरा नहीं करना। तो 2 है 2, 3, 3, 0, 0, 1, 1 हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 है तो यहाँ पर 1, उसके बाद है 2 तो यहाँ पर है 2, देख सकते हैं एक ही घर में 2-3 बार नहीं रंगेंगे, अलग अलग घर है, 2 है तो यहाँ पर 2 है, फिर 3 यहाँ पर है तो इस घर में 3 यहाँ पर है, उसके बाद 4 है तो इस घर में 4 यहाँ पर है,
उसके बाद आपका सिक्स है तो इस घर में सिक्स यहाँ पर है। उसके बाद मेरा ईयर जो है यहाँ पर टू टू है तो यहाँ पर है टू, और टू को रंग दी, फिर यहाँ पर है टू। ठीक है, इस प्रकार मेरा ये रंग हो गया। आप लोग देख सकते हैं बड़ा बड़ा अच्छा से हम यहाँ पर रंगीन कर दिए, मतलब गोल कर दिए। ये OMR शीट आप लोग को रंगीन मिलेगा, लेकिन हम प्रिंट आउट जेरोक्स करा के आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा है। इसको डाउनलोड अगर करना है, घर में प्रैक्टिस करना है, तो डाउनलोड करने का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिए। OMR शीट क्लास 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का OMR शीट डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिए। OMR शीट को आप डाउनलोड कीजिए, कहीं पर भी प्रिंट निकाल लीजिए, जेरोक्स निकाल लीजिए और घर पर दो चार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम में आपको आंसर कोड में कैसे सही करना देखिए। OMR पे कभी भी आप लोग जो है व्हाइटनर यूज नहीं करेंगे, अच्छा से फिलअप करेंगे, और आंसर शीट यहाँ पर है। तो क्वेश्चन जैसे आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर अगर मान के चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 जैसे ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आप लोग इसको टिक नहीं करेंगे। हम ऐसे एग्जाम्पल बता रहे इसलिए टिक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर अगर थ्री है तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर है, तो थ्री अगर आंसर है तो हल्का से यहाँ पर थ्री कर लेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ एक्चुअल में थ्री ही आंसर है, तो हम यहाँ पर थ्री को पूरा रंगीन कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू का आंसर अगर बोल सोचेंगे कि हाँ दो है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो है, दो का आंसर क्या है, दो है, तो दो को रंगेंगे। ऐसा है, ऐसा बहुत स्टूडेंट करते हैं कि दो आंसर है तो दो घर रंग देते हैं, एक दो, ऐसा नहीं करना। दो है तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है आंसर, दो। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर अगर रहेगा मान के चलिए ए बी सी डी वाइज, ऐसा रहेगा ए, अगर ये बी है, ये सी और डी, इस प्रकार अगर आप लोग का ऑप्शन रहेगा तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, तो अगर बोला जाएगा कि चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर डी है, तो हम लोग डी घर को इस प्रकार रंगेंगे। जो आंसर सही है उसको रंग देंगे, और ए बी सी डी आंसर सही नहीं है तो यहाँ पर ये लोग को नहीं रंगेंगे। अभी मान के चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर फिर ए बी सी डी में, अगर आपका, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपका अगर ऑप्शन ए बी सी डी में रहेगा, ए बी सी डी, तो कैसे रंगेंगे, ये 1 2 3 4 में है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर अभी ए है तो यहाँ पर ए को रंगेंगे। ठीक है, इस प्रकार एक ही घर को रंगना है। अगर आप गलती कर देते हैं कि नहीं क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बी था, हम ए में गलती से गोल कर दिए, तो कोई उपाय नहीं, आपका ये दो को अगर रंग देंगे तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बाय मिस्टेक कोई भी रंगेंगे नहीं, अच्छा से देख के ही रंगेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर परीक्षार्थी का एग्जाम्पल नाम यहाँ पर पूछ रहा है, स्टूडेंट का नाम, तो नाम कैसे लिखेंगे देखिए। यहाँ पर नाम आप लोग को अच्छा से ए को एक घर में लिखना है। स्टूडेंट का जो नाम है ये कैपिटल में लिखेंगे, जैसे मान के चले किसी स्टूडेंट का नाम करण कुमार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक घर में के, फिर ए आर ए एन, करण हो गया। कुमार लिखना है तो एक घर छोड़ के लिखेंगे फिर कुमार, ठीक है, के यू फिर एम ए आर हो गया। और अगर कुछ नाम है उसमें महतो मंडल कुछ है तो एक घर छोड़ के फिर लिखेंगे, अगर दो ही नाम है तो छोड़ देंगे। उसका परीक्षार्थी मतलब स्टूडेंट का यहाँ पर सिग्नेचर बोल रहा, तो स्टूडेंट का सिग्नेचर आप एडमिट कार्ड में देखिए कैसा साइन आप किए हैं। एडमिट कार्ड में जैसा साइन है उस तरह का साइन इस प्रकार आप लोग कर देंगे जैसे एडमिट कार्ड में आपका रहेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड में अगर हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। यहाँ पर जो भिक्षक जो टीचर है एग्जाम देंगे आपके साथ रहेंगे, जो टीचर एग्जाम लेंगे उनका साइन यहाँ पर होगा, और मोहर इधर है स्कूल का, जो मोहर है वो लगाएंगे अपने आएंगे, मोहर है। तो इस प्रकार आप लोग OMR शीट को फिल करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ आंसर शीट में फिल करते टाइम कोई भी डबल को आंसर को टिक नहीं लगाएंगे, सिंगल आंसर को टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जैक का कोई भी एग्जाम का OMR शीट को फिल कर सकते हैं, चाहे क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, सेम इसी प्रकार OMR शीट फिल करने का तरीका है। हो सकता है OMR शीट का जो ढांचा डिजाइन है इधर उधर रहे, लेकिन सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।